सलाम अलैकुम, मुझे आवाज आ रही है आपको? ओके ग्रेट. सो टुडे विल बी कवरिंग द लास्ट मॉडल दैट वाज ऑन एडहेसिव्स. हमने वॉरेन बेने और जॉन कॉटर तक डिस्कस कर लिया था. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट जॉन कॉटर. हो गया था जी? प्लीज लारे, प्लीज टू आस्क, ब्रिंग अप द क्वेश्चन. जी जी बिल्कुल. अगेन इट्स अ फॉर्मल अथॉरिटी. लॉ इटसेल्फ, देखना लॉ जो है वो जिस मर्जी लेवल पे डिफाइन किया जाए, चाहे वो कंपनी लेवल पे लेजिस्लेशन हैं या वो गवर्नमेंट लेवल पे लॉ, तो लॉ है वो आपको फॉर्मली ऑथराइज कर देता है. देखें, इनफॉर्मल अथॉरिटी जो है, वेयर यू हैव टू यूज योर करिश्मेटिक पावर. फॉर एग्जाम्पल, एक चलें सिचुएशन क्रिएट करते हैं. देयर इज अ सेल्स मीटिंग गोइंग ऑन and the sales manager is now giving targets to the sales team. Ek sales individual hai, sales team ka member hai, jiski charismatic power badi strong hai, and he knows how to negotiate, he knows how to convince. To wo jab negotiate karega apne boss ke sath, wo jab uske sath discuss karega apne targets ko, to there is a chance ke wo apni baat manwa le. Jab aap apni baat kisi se manwate hain, even though you are falling lower in hierarchy, that is where your informal authority comes into play. बच्चे जो हैं वो बड़े इफेक्टिव होते हैं अपनी इनफॉर्मल अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने में आपके ऊपर. बच्चे बड़े करिश्मेटिक होते हैं. अब बच्चों की बात कितनी जल्दी मान लेते हैं, because they have an informal authority on you. Informal authority जो होती है, that is where you are bringing something out of a situation, जहाँ पे आप regardless of the fact कि कोई आपसे हायरार्की में ऊपर है या नीचे है, आप उसकी बात सुनते हैं या मानते हैं. That is where informal authority comes. अच्छा, एक चैप्टर हमने कहा था, हमारी आखिरी क्लास हुई थी, I remember on Thursday, Friday को टेस्ट था आपका और Saturday को क्लास नहीं हो पाई थी. तो did we complete this chapter, या अभी हमने ये round को पढ़ना था? आपको फॉर्मल एंड फॉर्मल का डिफरेंस समझाया था. आगे हमें इसके सिक्स प्रिंसिपल्स पे बात करनी थी. अबाउट रिकॉलिंग और वो फाइल भी मेरी जो है, दैट हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ. सो इफ एनीवन कैन जस्ट गिव मी अ क्विक रिमाइंडर और अ रिकॉल कि हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 6 प्रिंसिपल्स रह गए थे. ओके, एग्जैक्टली 6 प्रिंसिपल्स रह गए थे. सही. रॉनल्ड हिफिस ने कहा था कि अथॉरिटी दो किस्म की होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, नंबर वन. सेकंडली, रॉनल्ड हिफिस ने कहा था कि दो किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो कि लीडर्स डील करते हैं. टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैन बी डेल्ट विद बाय ट्रांजैक्शनल लीडर्स, बट फॉर एडेप्टिव प्रॉब्लम्स यू नीड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रांजैक्शनल लीडर्स काफी होते हैं, बट टू टैकल एडेप्टिव प्रॉब्लम्स आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स चाहिए. यहाँ पे चूंकि लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज दैट गो साइड बाय साइड. एन इफेक्टिव लीडर इज ऑल्सो अ गुड चेंज मैनेजर. एक इफेक्टिव लीडर एक अच्छा चेंज मैनेजर भी होता है. तो लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट जो है, ये दोनों टॉपिक साथ साथ चलते हैं. तो एडेप्टिव चेंज के, यानी जब किसी लीडर ने कोई एडेप्टिव चेंज इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो उसे कौन से कानून फॉलो करने चाहिए, व्हाट प्रिंसिपल्स द लीडर शुड बी फॉलोइंग टू मैनेज एडेप्टिव चेंज. तो यहाँ पे रॉबर्ट हीव्स कहता है कि लीडरशिप जो है, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन जजमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट टू एक्ट एंड हाउ टू गो फॉर, हाउ फार टू गो ईच टाइम. हाउ फार टू गो से मुराद है कि कितना पुश करना है, चेंज कितनी स्पीड से लेके आना है. कहते हैं कि चेंज अगर आप बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे तो भी इनफेक्टिव, और अगर आप चेंज को बहुत स्पीडी या बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे तो भी इनफेक्टिव. चेंज इस लेवल पे और स्पीड से लेके आना है, दैट मस्ट नॉट अफेक्ट और दैट मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस
योर सबॉर्डिनेट्स चेंज हो, आपने स्पीड से इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि वो लोगों को पुट ऑफ ना करे या लोग उसको रिटेलिएट ना करें। यहाँ पर हम 6 कानून प्रेजेंट करता है, 6 प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में 2017 में। देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अडैप्टिव चेंज व्हिच अ लीडर शुड बी टेकिंग केयर ऑफ एंड शुड बी फॉलोइंग। फर्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट गेटिंग ऑन द बालकनी। गेटिंग ऑन द बालकनी से मतलब बालकनी कहते हैं टेरेस को, अ लेवल अबव द ग्राउंड। सो गेटिंग ऑन द बैलकनी से मुराद ये है कि लीडर को एक एक लेवल ऊपर होना है अपने सबॉर्डिनेट से, सो दैट ही कैन सी कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मतलब आप अगर एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं टेरेस पे खड़े होकर नीचे होने वाली एक्टिविटीज का, तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा इशू कहाँ पे है, कहाँ पे इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ पे रिजॉल्व होना चाहिए। सो लीडर जो है ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व what's happening around the activities in the entity, ek kaam hota hai leader ka, so that he can mobilize the right people in the right direction in the right way, taaki wo sahi direction mein logon ko mobilize kar sake. to ye kaam leader ka hota hai, leader has to get one level up, leader ko ek level upar hona padta hai, ek level upar jana padta hai. leader also needs to identify the adaptive challenge se murad kya hai. There are some situations जिसमें लोगों को पता होता है कि कैसे respond करना है, लेकिन there are some other situations where the people don't know how to respond. कुछ change की situations ऐसी हैं जब आपको पता है कि आपने कैसे respond करना है. For example, you are walking down the street, बारिश शुरू हो जाती है, तो पहले भी आप चूंकि situation से गुजर चुके हैं तो आपको पता है कि आपने कैसे respond करना है, आपने फौरन छतरी खोली है या आपने कोई शेड ढूंढना है. तो these are certain situations जहाँ पे change management इतनी tricky नहीं होती, आपको पता है कि आपने कैसे react करना है, but there are some situations जहाँ पे change management बहुत tricky phenomena होता है and you don't even know how to react, you don't even know how to respond. कुछ situations ऐसी भी हैं जहाँ पे change management बड़ी critical होती है. तो बड़ी अच्छी example देते हैं, कहते हैं band of chimpanzees, band कहते हैं group को, chimpanzees का जो group है that knows how to respond to a threat from a leopard. अगर शेर ने हमला किया है तो ग्रुप को पता है कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, but does not have the leadership to know how to respond to a new challenge from a human. हो सकता है कि उस ग्रुप को यह अंदाजा ना हो कि अगर किसी ह्यूमन बींग ने अटैक किया है बंदूक के साथ उसे कैसे रिएक्ट करना है. so they basically need a leader for that purpose. they need a leader to let them know कि अगर ह्यूमन बीइंग अटैक करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे. तो लीडर का पर्पस क्या होता है, लीडर इज रिक्वायर्ड टू लेट द पीपल आइडेंटिफाई द एडैप्टिव चैलेंज, उनके लिए एडैप्टिव चैलेंज को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसमें उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाता है. सो लीडर का पहला प्रिंसिपल एडैप्टिव चेंज को मैनेज करने में, लीडर हैज टू गेट ऑन द बालकनी, लीडर को एक लेवल ऊपर आना होता है. लीडर हैज टू आइडेंटिफाई द एडैप्टिव चैलेंज, अ सिचुएशन वेयर देयर इज no clue to the subordinates ke unhone kaise react karna hai, ye kaam leader ka hai. leader has to regulate distress. distress kehte hain becheni, betartibi. Kurt Levin perspective planned change theory 4th chapter recall kare yaad kare, to humne usme padha tha unfreeze ki state ke andar ke unfreeze ki state mein hum kya karte hain, sabse pehle hum existing state of affairs se dissatisfaction create karwate hain. हमने बोला था कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स से हम पहले एम्प्लॉइज को डिससैटिस्फाई करते हैं, फिर हम उन्हें एक बेहतर अल्टरनेटिव मुहैया करते हैं ताकि वो ज्यादा विलिंगली चेंज को एक्सेप्ट करें. तो डिस्ट्रेस का मतलब यही है कि आपने ऐसी बेचैनी ज्यादा कर देनी है कि एम्प्लॉई अपनी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को बुरा समझना शुरू कर दें, और जैसे ही एम्प्लॉइज ये करेंगे देन वी आर गोइंग टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज. लेकिन ये डिस्ट्रेस कैसे लेके आना है, ये डिस्ट्रेस क्रिएट कैसे करना है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे हीफ़स कहता है कि द लीडर मस्ट जनरेट द राइट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस, राइट अमाउंट, उतनी बेचैनी क्रिएट करनी है जितनी कि आपसे रिक्वायर्ड है, सो दैट एवरीवन कुड सी एंड अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंज. अगर आप डिस्ट्रेस को बहुत ज्यादा या बहुत कम कर देंगे तो नीड फॉर चेंज या तो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी या फिर आप रेजिस्ट करेंगे. चेंज एंड प्रोग्रेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एट द राइट पेस, पेस कहते हैं स्पीड को.
तो जो जो चेंज आप लेके आ रहे हैं वो चेंज आपने सही स्पीड पे लेके आ रहे हैं, ताकि डिस्ट्रेस जो आपने क्रिएट किया है उसको ओवरकम करने के लिए फिर आप चेंज को भी रिड्यूस करें। तो अ लीडर मस्ट प्रोग्रेस एट द पेस, एस भी कहते हैं पेस भी कहते हैं, दैट पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट। यहाँ बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं, पोलिटिकल असैसिनेशन जो होती हैं, जो ये पोलिटिकल लीडर्स पर गोली मार देते हैं, जॉन एफ कैनेडी वॉज पोलिटिकली असैसिनेटेड, इसी तरह लियाकत अली खान वॉज पोलिटिकली असैसिनेटेड। तो ये हिफ़िज़ कहता है कि असैसिनेशन ऑफ अ पोलिटिकल लीडर इज बेसिकली अ फेलियर ऑफ लीडरशिप, कि वो जो लीडर होता है वो इतनी स्पीड से चेंज लाने की कोशिश करता है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है टू असैसिनेशन। असैसिनेट का होता है मार देना किसी को, जान से मार देना। तो वो जो लीडर है वो इतनी स्पीड से चेंज लेके आता है कि लोग उसको गलत समझना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है टुवर्ड्स थ्रेट ऑफ बीइंग पनिश्ड और बीइंग यू नो किल्ड। तो डिस्ट्रेस क्रिएट करनी है लेकिन रेगुलेट भी करनी है, रेगुलेट से मुराद है इतनी बेचैनी है, इतनी बेतरतीबी पैदा करनी है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें। तो ये डिस्ट्रेस क्रिएट करना। देन द फोर्थ प्रिंसिपल ही टॉक्स अबाउट इज मेंटेन डिसिप्लिन्ड अटेंशन। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू आप लोगों की तवज्जो को होल्ड रख सकते हैं। अगर आप सारी अथॉरिटी खुद प्रैक्टिस करेंगे और खुद हुक्म देंगे अब ये कर लो अब ये कर लो, तो पीपल माइट नॉट बी होल्डिंग और माइट नॉट बी हैविंग इंटरेस्ट इन द डिसीजन। तो लीडर मस्ट गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट इनटू ओपन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है। ये हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में जाके, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर आएगा। 10th चैप्टर वुड टेल अस कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अमंग इंडिविजुअल लीड्स टू इवेंचुअली कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट। कोलैबोरेट करते हैं, अच्छे एग्रीमेंट्स करते हैं, इसी तो द लीडर इज द वन हु मेक फॉलोअर्स अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंसल्टिंग इन्वॉल्विंग। अगर स्टाइल याद करें तो अच्छा लीडर वो होता है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह रखे और एक लिमिट तक सेटल करे चीजों को। अगर उससे बियॉन्ड जाएगा सो दैट इज गोइंग टू बी मतलब अगर वो नेगेटिव जाएगा अथॉरिटी प्रैक्टिस करेगा तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग बैड। गिव वर्क बैक टू पीपल, डेलीगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट, लोगों को अलाउ करो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। गिव वर्क टू देम इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव। लीडर शुड नॉट कंट्रोल एंड शुड नॉट डायरेक्ट। The leader should provide support and allow people to find solution to problem through their own efforts. अपनी मेहनत से, अपनी effort से लोग खुद अपने मसाइल का हल तलाश करें, rather than just you know being told what to do. So give work back to people. So ये है participative management. This is participative. This is delegating. यहाँ पे आप लोगों को conflict में लेके आ रहे हैं by allowing them to give suggestions. और यहाँ पे आप उनको डिसीजन मेकिंग भी अलाउ कर देते हैं। तो गिव वर्क बैक टू पीपल से मुराद ये है अलाउ पीपल टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट देयर ओन, ये डेलीगेटिंग। प्रोटेक्ट वॉइसेस ऑफ लीडरशिप बिलो फ्रॉम द बिलो, नीचे वालों की बात सुनो। जो नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स होते हैं दे हैव अ लॉट टू टेल, दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन आप चूंकि उनको मौका नहीं दे रहे होते तो कंटेंशियस इश्यूज सामने नहीं आ रहे होते। कंटेंशियस का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी क्रिटिकल, बर्निंग, हार्ट बर्निंग। तो लीडर शुड गिव वॉइस टू अदर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड अलाउ अदर्स टू स्पीक अप, दूसरों को भी अलाउ करेंगे और बोले, अपने मसाइल आप तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक लोग कंटेंशियस इश्यूज को रेज नहीं करेंगे फीडबैक प्रॉपर नहीं होगा। सो दीज आर द सिक्स की प्रिंसिपल्स। नंबर वन, द फर्स्ट वन, गेट ऑन द बैल्कनी। नंबर टू, आइडेंटिफाई द अडैप्टिव चैलेंज। नंबर थ्री, रेगुलेट डिस्ट्रेस। नंबर फोर, मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन। नंबर फाइव, गेट गिव वर्क बैक टू पीपल। एंड नंबर सिक्स, प्रोटेक्टिंग वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द बिलो। And this also brings us to the conclusion of the 8th chapter. 8th chapter, अगर हम एक नटशेल में देखें तो 8th chapter में हमने primarily theories को discuss किया है और हमने leadership qualities के models को discuss किया है। So in the 8th chapter,
First of all, we started with defining what is effective leadership. Effective leadership के तीन pillars होते हैं और ये तीन pillars जो हैं, they are the three pillars of effective leadership. इस chapter में से theories, ये जो पहली nine theories हैं, these are the most expected. Out of these nine, अगर आप मज़ीद specify करना चाहते हैं मुझे तो I will do that, but after some time. पहले आप एक बार सारी सीरीज पढ़ लें, देन आई लेट यू नो कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी जो बिकम इम्पोर्टेंट है. एक बार सारी पढ़ी होंगी ना तो फिर आप उसको फिर नहीं इस तरह का डिसीजन लेते कि ये कर लेते हैं, ये बिल्कुल छोड़ देते. तो हमने तीन पिलर्स पढ़े इफेक्टिव लीडरशिप के. फिर हमने लीडरशिप की तीन स्कूल ऑफ थॉट्स देखे, ट्रेड थियरीज, कॉन्टिजेंसी थियरीज एंड स्टाइल थियरीज. दीज आर द स्टाइल थियरीज. फिर हमने ट्रेड थियरीज को डिस्कस किया कि लीडर के ट्रेड्स होते हैं और वो ट्रेड्स अगर एक इंसान में मौजूद है तो वो अच्छा लीडर होगा, वरना वो अच्छा लीडर नहीं होगा. सो वी डिस्कस ट्रेड थियरीज. देन स्टाइल थियरी में हमने लिपिड एंड वाइट पढ़ी. इन्होंने स्कूल चिल्ड्रन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और दे हैव कंक्लूडेड दैट डेमोक्रेटिक स्टाइल इज द बेस्ट. इसी तरह हमने फिर ब्लेक एंड मुटॉन पढ़ा. इन्होंने कंसर्न फॉर टास्क और कंसर्न फॉर पीपल के दरमियान एनालिसिस किया था और इन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट स्टाइल इज द बेस्ट. फिर इसके बाद टेनबाम एंड श्मिट हैं. दो टेनबाम एंड श्मिट डिड नॉट आर्ग्यू ऑन एनी वन बेस्ट स्टाइल, बट दे गिव अ कंटिन्यूम, दे गिव अ स्केल, और स्केल के ऊपर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो अथॉरिटी कम होती जाती है, सबॉर्डिनेट फ्रीडम बढ़ता जाता है, एंड अल्टीमेटली आप हमें डिसीजन क्या कौन सा स्टाइल कौन सा स्टाइल ऑप्ट करेंगे. फिर हमने डिस्कस किया था एशर्ड मॉडल को टेल सेल्स कंसल्ट्स जॉइन. इनके मुताबिक कंसल्ट स्टाइल प्रेफर्ड होता है बाय सबॉर्डिनेट्स, जॉइन इज लेसेस फेयर. फिर हमने बात की थी रेंसिस लाइकर्ट के ऊपर. रेंसिस लाइकर्ट के मुताबिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल इज द बेस्ट वन, सूटेड फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द कंटिजेंसी थियरीज. तीन थियरीज हैं, फील्डर का मॉडल है, हर्शन बैंकर्ड है और हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच है. फील्डर के मॉडल में हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि किस तरह वो पहले पीपल ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड दो किस्म के स्टाइल्स को डिफाइन करता है और फिर दो स्टाइल्स को डिफाइन करने के बाद फिर वर्क सिचुएशन को इन तीन फैक्टर्स पर डिटरमिन करता है. एंड देन आउट ऑफ 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिचुएशंस यू माइट हैव eight different types of work situations. You might have any work situation working or highly favorable से highly unfavorable तक फिर आप measure करते हैं. And then you allocate the appropriate style. Fiedler ने कहा था कि leader अपना style change नहीं कर सकता. Hershen Blanchard ने कहा था कि style should also be changed. And that is where these two theories differ. तो Hershen Blanchard के मुताबिक work situation जो है that is developed based on employee's functioning maturity. ये भी discuss किया था. फील्डर के बाद एम्प्लॉई की जो फंक्शनिंग मेच्योरिटी है उस पर हम डिफाइन करते हैं कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट. एंड देन बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉई इफेक्टिवनेस, हाई कॉम्पिटेंस, वेरिएबल कमिटमेंट, हाई कॉम्पिटेंस, लो कमिटमेंट, लो कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट, हम इस तरह 11 डिफरेंट फोर डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम चार डिफरेंट स्टाइल्स के ऊपर डिबेट करते हैं, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग. हैंडी बेस्ट फिट मॉडल देखा था हमने. हैंडी बेस्ट फिट कहता है कि चार अप्रोचेस को हमने एक स्पेक्ट्रम के एक ही लेवल पे लेके आना होता है. वी हैव टू प्ले फोर फैक्टर्स ऑन सिंगल साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वेदर इट इज टुवर्ड्स टाइट स्पेक्ट्रम और टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम. तो लीडर हिमसेल्फ, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन है, उसका टास्क क्या है और किस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियरीज. इसके बाद क्वालिटीज के चार मॉडल्स देखे थे हमने. पहला मॉडल था जॉन अडेयर का. जॉन अडेयर ने एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल प्रेजेंट किया था. अडेयर ने कहा था कि लीडर जो होता है वो एक एक्शन सेंटर में काम करता है, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल. और किसी भी एक लीडर को इन सारे फैक्टर्स पे कमांड होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी मोर इफेक्टिव. फिर हमने डिस्कस किया था इसके बाद 50-50 रूल पढ़ा था. उसके बाद जॉन पॉटर देखा था. वॉरेन बेनेट एंड जॉन पॉटर दोनों के मॉडल तकरीबन सेम है. वॉरेन बेनेट जेनेरिक स्किल्स बताता है लीडर, और जो जॉन पॉटर है
वो बताता है कि चार डायमेंशंस में लीडर और मैनेजर्स कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन. उसके बाद फिर हमने आज डिस्कस किया रॉनल्ड हीफिस को. हीफिस ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फॉर्मल और इनफॉर्मल अथॉरिटी कितनी प्रैक्टिस की जाती है. टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सी है, अडैप्टिव प्रॉब्लम कौन सी है, एंड देन सिक्स की प्रिंसिपल्स ऑफ अडैप्टिव चेंज. गॉट इट? That was from this chapter. इस चैप्टर के अगर हम पास्ट पेपर क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करें फ्रॉम सेप्टेम्बर 18, अगर हम सेप्टेम्बर 2018 से स्टार्ट करें तो we can just quickly go through the past papers. इसका फ्राइडे को, कमिंग वीक में फ्राइडे को होगा इंशाल्लाह टेस्ट. 8 चैप्टर पूरा एक ही टेस्ट लेंगे हम और ये होगा फ्राइडे को. ठीक है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड. Okay, let me just bring it, the examination of September. ओके, तो सितंबर के महीने में हर्षन ब्लैंकेट में से क्वेश्चन आया था और अडेर एक्शन सेंटर में क्वेश्चन आया था. हर्षन ब्लैंकेट में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वर 3 मार्क्स. और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा था कि लो हाई कॉम्पिटेंस एंड वेरिएबल कमिटमेंट वाले लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल स्टाइल क्या होगा. 3 मार्क्स क्वेश्चन था. 11 मार्क्स आए थे अडेर के ऊपर. 3 मार्क्स में पार्ट ए में पूछा गया था कि आपके वो इसके अंदर दो पार्ट से, पहले पार्ट में पूछा था कि वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से, टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल, और फिर उन तीनों फैक्टर्स की तरफ लीडर का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द लीडर. ठीक है, क्वेश्चन में 5D था मार्च 18 में हर्षन ब्लैंकेट के ऊपर. अगेन एक सिचुएशन दी गई थी, और बल्कि नहीं, दैट वाज नॉट अ सिचुएशनल क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था. दो स्टाइल्स के नाम दे दिए हैं, टेलिंग स्टाइल एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल, और इनको एक्सप्लेन करने में वह दिया 6 मार्क्स में. 6 नंबर का सवाल था और 6 मार्क्स में एग्जामिनर ने दोनों किस्म के स्टाइल से आपसे डिटेल मांग ली थी. सितंबर 2018 जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आए थे इस चैप्टर में से. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था एशरिज मॉडल के ऊपर. 7 पार्ट ए था एशरिज मॉडल के ऊपर. This was the question. ये हमने शायद क्लास में भी डिस्कस किया था. मिस्टर खलीक के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मिस्टर खलीक जो हैं वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला बिजनेस ओन करते हैं. कुछ स्टाफ मेंबर्स तो इनके पिछले कई सालों से हैं इनके साथ, लेकिन उनको अभी तक डिसीजन मेकिंग अलाउ नहीं करते, एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर इम्पोज्ड बाय खलीक. तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं उस स्टाइल के जो मिस्टर खलीक ने अडॉप्ट किया था. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी रिक्वायरमेंट में कहीं भी उसने थ्योरी का नाम नहीं दिया था, देयर इज नो नेम कि ये किस थ्योरी, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स के, वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी में, और वो है एशरिज की. बाई डिफॉल्ट ये क्वेश्चन एशरिज मॉडल का होगा. यहाँ तो उसने नाम दे दिया ना मिस्टर आलम का, कि मिस्टर आलम एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, अपना कम्युनिकेटर हैं जो कि नए नए आइडियाज लेके आते हैं. स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताएं कि मिस्टर आलम फॉलो कर रहे हैं. 7 मार्क्स का, 14 मार्क्स ये हो गए. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था 8 मार्क्स का रोनाल्ड हीफिस के 6 प्रिंसिपल ऑफ अडैप्टिव चेंज के ऊपर. दैट मेक्स इट 22 मार्क्स. तो 22 नंबर आए थे सितंबर के महीने में. सितंबर 17 मार्च में कोई क्वेश्चन नहीं था. सितंबर 16 में हर्षन ब्लैंकेट के ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था. 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और पूछा गया था बताएं कौन कौन सा स्टाइल यूज कर रहा है लीडर. दीज वर 4 स्टेटमेंट्स हियर. ये हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी क्लास में. फरमान डेलीगेट सम डे टू डे डिसीजन टू सबऑर्डिनेट्स. ही फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन अबाउट सम ऑफ द डिस्कशन विद सबऑर्डिनेट हु आर कॉम्पिटेंट इन देयर वर्क बट लैक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस. ठीक है, high competence and variable commitment. So that is participating.
that is telling, that is delegating, and that is selling. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इससे पीछे मूव करें तो ये सब पार्ट था ब्लेक एंड मुटॉन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट है उसका वन, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट है और उसका भी वन. दिस वाज द क्वेश्चन. ये पार्ट ए है, ये एक सिनेरियो दिया गया और सिनेरियो की आप टर्न पूछ रहे हैं. इस तरह का क्वेश्चन पेपर में काफी अच्छे से नहीं आया. This type of question has not appeared in the recent past. So, आपकी अटेम्प्ट के लिए इस तरह का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन देखे एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन सी टर्म मैच हो रही है किस सिचुएशन के साथ. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि समद एक सीईओ है ड्यूरेबल पेंट का, एंड इज ओनली कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट एंड बिलीव इन हैविंग कंजीनियल, कंजीनियल मींस हैप्पी, हैप्पी रिलेशनशिप विद देम, अडहेरिंग टू वर्क डेडलाइंस एंड अचीविंग टारगेट rank rather low in his style. So, ये country club style है. This is the country club style. Concerns for task low है, concerns for people high है. And again, as we have talked about, that this type of style is only suitable to the people with high concerns for people and low concerns for task. और इसके अलावा question number 2 का part B था. आपको Warren Bennie का model दिया गया. ये सारी terms jumble करके दे दी गई. आपसे पूछा बताएं कि इसमें से मैनेजर्स कौन हैं और लीडर्स के फीचर्स कौन हैं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इसमें फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, ये मैनेजर है. चैलेंज द स्टेटस क्वो, ये लीडर है. डूइंग द राइट थिंग, लीडर है. डायरेक्शनल लीडर है, ये सॉरी मैनेजर है. दिस इज मैनेजर, दिस इज मैनेजर, दिस इज मैनेजर, दिस इज मैनेजर, दिस इज लीडर, दिस इज मैनेजर, this is manager and this is leader. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए पेपर में तो बी वेरी केयरफुल. इसे पीछे मूव करें तो एक अगेन वही मैचिंग द टर्म्स वाला ही था. क्वेश्चन नंबर 5 की चौथी टर्म थी, दैट वाज इन मार्च 16. तो मार्च 16 के अंदर, सॉरी सितंबर 15, सितंबर 15 के अंदर ये एक ही टर्म थी एंड दैट वाज आई गेस द फोर्थ वन, दिस वन. So several business leaders believe that any approach for addressing management problems should be tailored to meet the requirements of the particular circumstances. ये term coin हो रही है किसके साथ? Contingency theory के साथ, L के साथ. बाकी term भी आप देख लीजिएगा, आपके पास definitely past papers की excess है, लेकिन ये कि this term is concerned with the contingency theory. तो ये एक number का ही था बस. इससे पहले मार्च 2015 में 8 चैप्टर 0 आया था पेपर में, कुछ नहीं था. उससे पहले टेनेनबाम एंड श्मिट का क्वेश्चन था. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और सिर्फ टेनेनबाम और श्मिट के साथ अपने डिफरेंट स्टाइल्स पड़े थे. उसमें से कोई से 6 स्टाइल्स पूछे गए थे. आउट ऑफ दोस 7, 6 स्टाइल्स वर आस्क्ड इन द पेपर. यहां तक कोई सवाल? Any questions so far? Eighth chapter ko I won't recommend to skip, but if you feel that this is the last resort, you can't help it, then you should only prepare those theories and models which I would be telling you. That would be like 40-50% of the chapter, which is very important in paper point of view. Pehli baat to pehli to preference ye honi chahiye ki you should not be willing to leave anything, you should not be willing to skip anything. Main to pehle students ko ye kehta hu ki aapki pehli choice ye honi chahiye ki pura subject taiyar karna hai, puri ek cheez taiyar karna. If you feel helpless or if you feel that there is no other chance, then you can always move ahead. Theek hai, कर सकते हैं. ओके, 9th चैप्टर है टीम्स के ऊपर. हर जब हम डिफाइन कर लेंगे टीम्स को और ग्रुप्स को और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, दिस इज अनदर रादर इंपॉर्टेंट चैप्टर. और इस चैप्टर के अंदर हम ग्रुप्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंसेस बड़े देखेंगे. इस चैप्टर में हमने 4 डिफरेंसेस स्टडी करने हैं और इन 4 में से 3 डिफरेंसेस पेपर में आ भी चुके हैं. पहला डिफरेंस है फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा डिफरेंस है टीम वर्सेस ग्रुप. फिर उसके बाद अगला डिफरेंस है
इफेक्टिव वर्सेस इनइफेक्टिव टीम्स, इस तरह और डिफरेंस है। इस चैप्टर में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज अ गुड चैप्टर, फोर्थ वन, लेकिन इसके अंदर नाइन्थ चैप्टर जो है इट्स अ गुड चैप्टर, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपकी ये डिफरेंसेस और पेपर के हवाले से अगर देखा जाए तो नाइन्थ चैप्टर में से अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। अगर मैं आपको इसका क्विक एक पास पेपर्स में अगर इसका एक इंप्रेशन देखें तो ये देखें, ये दरमियान में काफ़ी गैप है यहाँ पे। तो अब इसमें से क्वेश्चंस कुछ फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, ये अभी सितंबर में इसमें से एक क्वेश्चन था, मार्च में एक क्वेश्चन था, फिर सितंबर 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे दो क्वेश्चन थे। तो हर अटेम्प्ट में एक आधा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, वेरी क्लियर कि आपने इस चैप्टर को बस इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीकेंड तक हम 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे बाय सैटरडे। फ्राइडे को आपका 8th का टेस्ट स्केड्यूल्ड है। अगले वीक में 4-5 लेक्चर्स हमें 10th चैप्टर पे लगाने हैं। तो इंशाल्लाह ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीकेंड इज आवर कोर्स कंप्लीशन डेडलाइन, दैट वुड बी प्रोबेबली ऑन 25th और 26th। 25 या 26 तक हम अपना इंशाल्लाह कोर्स रैप अप कर लेंगे, उसके बाद फिर ये 4-5 लेक्चर्स अगर हम 25 तक कर लेते हैं तो 26 से लेकर 31 तक जो 5 लेक्चर्स हैं ये हम फिर थोरो रिवीजन्स करेंगे, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। हर लेक्चर में हम दो दो पार्ट्स का टारगेट रखेंगे, दो मतलब एक एक पार्ट का, दो दो चैप्टर्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से। और डिस्कशंस हमारी क्या होंगी दैट वुड बी टॉक अबाउट, और उसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उस चैप्टर का एक नटशेल बर्ड्स आई व्यू, उसके बाद उसमें से पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड इट। तो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल चाहिए हो, कोई अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड हो, बस अब रिवीजन्स करें आप लोग। मेरा आपसे एक बड़ा हम्बल और बरादराना मशवरा है, स्टार्ट रिवाइजिंग, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। नए टॉपिक्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं इंशाल्लाह बाय द टाइम दिस मंथ विल एंड हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट भी उतना पूरा कर चुके होंगे, रिवीजन भी कर चुके होंगे, लेकिन आपके एंड पे दैट्स एन इम्पॉर्टेंट। Then you can hold the revision for at least first week of February. जब तक देखें, मेरा ख्याल है बाकी सारे subjects की भी deadlines 31st January ही है ना। I believe कि आपके 31st Jan तक आपके सारे courses पूरे हो जाएंगे। I don't think so कोई भी subject linger on करेगा, ठीक है? तो 31st of Jan अगर deadline है, तो you can hold the revisions then till first week of February. फिर आप revisions थोड़ी सी hold कर सकते हैं, especially when you have a double class. तो वहाँ पे हैंडल हो सकता है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल एक दिन में टैक्स भी हमारा मतलब FAR 1 भी है, टैक्स भी है, फिर तो यू कैन होल्ड BMBS एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब, ठीक है? ओके, गुड। और कोई सवाल? इस तरह का ना क्लैरिटीज कर दिया करें बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस to bring up the issue and to talk about it so that you know what you are heading towards, you are clear on it. तो चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा clarity के साथ discuss कर लें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा clarity ले आती है आपके लिए। और कोई question, anything else? चलो great, ठीक है, फिर we'll keep it up till here for today. इंशाल्लाह फिर हाँ कल 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटेल में, और इस वीकेंड तक हम 9 चैप्टर को लेके चलेंगे। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।